हेलो स्टूडेंट, दिस इज वंदना वर्मा. टुडे आई विल टीच यू लेसन नंबर 2 इन फ्लेमिंगो, लॉस्ट स्प्रिंग, द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, विच इज रिटन बाय अनीस जंग. शी बिलोंग्स टू राउरकेला इन साउथ दिल्ली, साउथ इंडिया, एंड शी हैड द मोटिव जस्ट टू फाइंड आउट व्हाट आर द रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. शी केम टू दिल्ली एंड वेंट टू सीमापुरी, where she met a boy who was hardly 9 or 10 years old, whose name was Sahib-e-Alam. So before going to deal with the chapter, I just want to make you understand what is the preface of the chapter. Basically, this chapter is divided into two parts. The first part, where the main character is Sahib-e-Alam, his tagline is, sometimes I find a rupee in the garbage dump. And in the second part, there is a main character, the protagonist, that is Mukesh, who is also hardly 9 or 10 years old boy, and he belongs to Firozabad, and his tagline is, I want to become a motor mechanic. So first I would like to explain you the part 1, which belongs to Sahib-e-Alam, through the slides. I have prepared through slides, and through slides I will make you understand this chapter. I hope you will enjoy. The author's encounter with a boy named Sahib-e-Alam. इस चैप्टर में एक छोटा सा बच्चा है जिसका नेम है साहिब. नरेटर एक बार सीमापुरी में उससे मिली और नरेटर ने क्या देखा कि जो साहिब-ए-आलम है, his main occupation was just to pick the garbage from the garbage dump. कि garbage dump से वो daily कूड़ा बीनने का काम करता है और यही उसके लाइवलीहुड का, दिस इज अ ओनली वे जस्ट टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर. और उसने क्या देखा, द बॉय हैड लेफ्ट हिज होम इन ढाका. अब नरेटर ने फाइंड आउट किया कि साहिब कहाँ का रहने वाला है, तो पता चला कि साहिब बांग्लादेश में एक जगह है ढाका, वहां का रहने वाला है. और 1971 में इनकी फैमिली माइग्रेट होकर दिल्ली में शिफ्ट हुई ढाका से, बिकॉज द रीजन हिज मदर वंस टोल्ड हिम दैट वन डे एट नाइट द फ्लड हैड कम एंड इट स्वेप्ट अवे देयर होम्स एंड फील्ड्स. एक दिन रात को बहुत तेज आंधी बारिश आई, बाढ़ आई, जिसकी वजह से उनका घर और खेत दोनों बह गए और वो दैट्स वाई दे माइग्रेटेड टू दिल्ली एंड नाउ दे आर लिविंग इन सीमापुरी एंड देयर ओनली ऑक्यूपेशन वॉज जस्ट टू पिक द गार्बेज. तो साहिब की पूरी फैमिली जो है वो केवल गार्बेज पिकिंग का काम करती है और यही उनका लिवलीहुड का एक सोल है. द ऑथर आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही स्क्राउंज गार्बेज हीप्स, टू विच ही रिप्लाइड. अब नरेटर को बहुत ऑड लगता है, उसने पूछा वो गार्बेज क्यों पिक करता है, इसके अलग भी तो कोई काम कर सकता है, स्कूल क्यों नहीं जाता, क्योंकि नरेटर को लगा छोटा बच्चा है और ये उसकी एज पढ़ने की है. शी मेड हिम ए फॉल्स प्रोमिस. नरेटर ने उसको झूठ बोला, इफ आई वुड मेक अ स्कूल वुड यू गो देयर, अगर मैं ऐसा स्कूल बनाऊं तो क्या आप जाएंगे. और साहिब उसकी बात को सच मान गया. साहिब ने कहा, अब उसने साहिब से पूरा नेम उसका पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है. उसने बताया साहिब-ए-आलम, जिसका कि एक्चुअली मीनिंग है पूरे यूनिवर्स का मालिक. नरेटर बहुत सरप्राइज होती है इस बात पे कि इस बच्चे को अगर ये पता चल जाए कि इसका नाम साहिब-ए-आलम है और पूरे यूनिवर्स का ये मास्टर है, तो शायद ये भी इस बात को बहुत हार्डली बिलीव करेगा कि मैं एक कूड़ा बीनने वाला, बहुत ही लो लेवल का मेरा वर्क और मेरे नेम का जो एक्चुअल मीनिंग है दैट इज द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स. अब नरेटर ओवर द मंथ उन बच्चे के कॉन्टेक्ट में रही तो उसने देखा बहुत सारे जो बच्चे हैं दे ऑल आर बेयर फुट. और अब नरेटर ने उनसे पूछा, रीजन पूछा कि वो इस तरीके से नंगे पैर क्यों रहते हैं. अभी नरेटर ने उनके ग्रुप में देखा कुछ बच्चे बिल्कुल फटे हुए शूज पहने हुए हैं और ये फटे हुए शूज भी उनको इसलिए मिल गए कि किसी बच्चे ने कूड़े में फेंक दिए एंड दे रिफ्यूज टू वियर देम एंड साहिब पिक देम. साहिब ने उन शूज को उठा लिया या उन बच्चों ने उन शूज को उठा लिया और पहना हुआ है. अब नरेटर ने एक बॉय से पूछा कि वो क्यों नंगे पैर रहता है, तो उसने कहा नंगे पैर रहना जो है ये हमारा शायद ट्रेडिशन है, हमें हैबिट है. नरेटर ये देख के और जान के बहुत ज्यादा हैरान है कि एक्चुअली में दिस इज नॉट
दिस इज नॉट जस्ट टू द पॉवर्टी दे रिमेन शूलेस जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू शो द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि गरीबी शो करते रहे हम सोसाइटी में जिससे कि मर्सी गेन करते रहें और कुछ डोनेशन गेन करते रहें। इसीलिए शायद ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है नंगे पैर रहना या बेयर फुट रहना। अब एक बार ऐसे ही शू की बात पे नरेटर को याद आया कि एक बार उडुपी, विच इज सिचुएटेड इन साउथ इंडिया, उडुपी से एक आदमी आया। उसने नरेटर को एक स्टोरी बताई और स्टोरी ये थी कि एक मंदिर में प्रीस्ट था, पुजारी था, वो मंदिर में वहीं पे जॉब करता था और उसने लेकिन अवेयर नहीं था अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, तो उसने अपने बच्चे को कभी शू नहीं पहनाए। और उस बच्चे की ये जो पर्सनल डिजायर थी वो ये थी कि वो डेली मॉर्निंग में गॉडेस के आगे ये प्रेयर करता था कि काश मुझे शू मिल जाए और मैं शू पहन के देखूं कि शूज पहन के कैसा फील होता है। अब नरेटर कहती है कि 30 इयर्स के बाद, इस इंसिडेंस के 30 इयर्स बाद, वन शी वेंट देयर, जैसे जब वो वहां पर गई एंड शी सॉ दैट टेम्पल, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू द एयर ऑफ डेसोलेशन, जो कि खंडहर बन चुका है। लेकिन अब जो नया प्रीस्ट आया वो बहुत ज्यादा अवेयर है बच्चे की पढ़ाई के लिए, उसने अपने बच्चे को स्कूल भेजा है जो कि प्रॉपर यूनिफॉर्म है, सॉक्स और शूज में है, लेकिन इस बच्चे के पास शूज तो हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, लेकिन मंदिर की जो कंडीशन है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है, टूट चुकी है। अब नरेटर कहती है कि दोनों स्टोरीज में कंपेयर करती है कि 30 इयर्स पहले क्या कंडीशन थी और 30 इयर्स के बाद आज क्या कंडीशन है। पेरेंट्स अवेयर हुए हैं एजुकेशन के लिए, वो अपने बच्चे को प्रॉपर शूज और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। अब नरेटर कहती है कि ये जो फैमिली है रैग पिकर के, जिसमें से साहेब एक है, ये 1971 में सीमापुरी में सेटल हुए, और जब ये सेटल हुए उस समय तो ये बिल्कुल बैरन था, बट इट्स नॉट मेयर वाइल्डनेस, इट्स नॉट मेयर बैरन लैंड। अब ये खाली नहीं है, यहाँ पे एक साथ 10,000 रैग पिकर्स आर लिविंग टूगेदर, और वो कह रही है कि यहाँ पे रहते हुए उनको 30 ईयर्स हो चुके हैं। 30 ईयर्स होने के बाद भी नाउ दे डोंट हैव एनी आइडेंटिटी, दे हैव द रेशन कार्ड ओनली जस्ट टू फेच द ग्रेन, और इट वुड बी ईजियर टू बाय द ग्रेन्स एट द चीप कॉस्ट, कि चीप कॉस्ट पे वो ग्रेन्स खरीद ले, इसीलिए उनको रेशन कार्ड प्रोवाइड किया करवाया हुआ है पॉलिटिशियंस ने, और रेशन कार्ड एक सोल आइडेंटिटी होने की वजह से एटलीस्ट दे कैन वोट टू देयर मिनिस्टर और दे कैन इलेक्ट देयर पार्टी फॉर देयर मदर्स। अब इसी ग्रुप में ही ऐसे ही सीमापुरी के 10,000 लोगों की फैमिली में से ही उन्होंने कुछ फीमेल से पूछा कि आप अपना ढाका जो सिटी है वो छोड़ के यहाँ पर आए तो आपको वहां पर होना चाहिए, आप यहाँ पे आके केवल कूड़ा बीनने का काम कर रहे हैं। तो वो फीमेल कहती, जब हमारा घर और खेत दोनों बह गए और हमें वहां बेनिफिट था ही नहीं, कुछ काम करने के लिए था ही नहीं, तो ऐसे अपनी जमीन पे खेती करने से कोई फायदा नहीं, कम से कम यहाँ कूड़ा बीन के ही सही, या इस तरीके का लोअर ऑक्यूपेशन हम जो करते हैं एटलीस्ट उससे इतना तो बेनिफिट है कि पूरे दिन में एक टाइम हम अपने बच्चे को खाना खिला सकते हैं। अब उसी ग्रुप के मेल से ये बात उन्होंने पूछी तो वहां के मेल कहते हैं कि कूड़ा हमारे लिए एक्चुअली लाइवलीहुड का वे है, जबकि कूड़ा बीनना सीमापुरी के बच्चों के लिए दैट इज वेरी डिफरेंट, इट इज रैप्ड इन वंडर, ये एक वंडरफुल चीज है। क्योंकि साहिब ने एक बार नरेटर को कहा, वंडरफुल इसलिए है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कई बार मुझे एक रुपए का कॉइन मिल जाता है, तो मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा वंडरफुल चीज है और मुझे कूड़ा बीनने में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी भी होती है। नरेटर कहती है सीमापुरी के बारे में कि ये जो सीमापुरी है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मड, बिल्कुल मिट्टी के ढेर का घर है, देयर इज नो अरेंजमेंट ऑफ ड्रेनेज और वाटर सिस्टम, पानी आने का या पानी बाहर निकालने का कोई भी वहां पे अरेंजमेंट नहीं है, एंड इन दैट काइंड ऑफ थिंग्स और द पुअर एमेनिटीज, लाइक 10,000 रैग पिकर्स दे आर लिविंग टूगेदर सिंस 30 ईयर्स बैक, पिछले 30 ईयर्स से वहां पे इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं। अब उसके बाद नरेटर ये देखती है कि साहेब एक दिन कोर्ट, टेनिस कोर्ट के बाहर खड़ा होकर, ही वॉज वॉचिंग टू प्लेयर मैन, दो लोगों को देख रहा है जिन्होंने प्रॉपर शूज सॉक्स और टेनिस खेल रहे हैं,
तब नरेटर ने ये देखा कि साहेब ने भी आज शू पहने हुए हैं, लेकिन उसके एक शू में होल है। नरेटर को लगा प्रोबेबली अ रिच बॉय हैड डिस्कार्डेड द शूज एंड ही फेच, कि शायद कोई अमीर लड़के ने फेंक दिया होगा और ये उसे उठा लाया। अब उसका नेक्स्ट जो लास्ट इंसिडेंस है आपके इस वाले पार्ट का, वो ये है कि एक दिन नरेटर ने देखा इन द मॉर्निंग द साहेब वॉज गोइंग टू द मिल्क बूथ। नाउ ही वॉज डूइंग द वर्क और ही वॉज अंडर द एम्प्लॉय ऑफ मिल्क मास्टर, एक दूध बेचने वाले की दुकान पर वो काम करने लग गया जो चाय बेचता था, दूध बेचता था। नरेटर ने उसको पूछा आर यू हैप्पी टू वर्क देयर, देन साहेब जस्ट कीप साइलेंट, साहेब बिल्कुल चुप रहा, कुछ नहीं बोला। और जब उसने नरेटर को बताया कि मुझे 800 रुपीज और इसके बदले में ऑल डे मील्स वो वहां उसको प्रोवाइड होता है, बट ही इज नॉट हैप्पी बिकॉज नाउ ही हैज नॉट हिज ओन मास्टर, अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रह गया, उसका केयर फ्री लुक नहीं है। और इस तरीके से जो वो मौज करने वाला लड़का है, मस्ती करने वाला लड़का है, अब वो सारा कुछ खत्म हो चुका है और अब वो जॉब करने लगा। सो नाउ स्टूडेंट, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज ओवर हेयर, थैंक यू। वेरी सून आई विल सेंड यू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, थैंक यू।